has been shown at the end of the film 13,000 years. Just tell us about उसके बारे में काफी ज़्यादा controversy हो रही है. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कितना सही है या change हुआ है? मैं इनकी जवाब दे दूँ. जो 32,000 लेके जो बहस छिड़ी थी वो बहस और आजकल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फिल्म देख चुके हैं. देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये 32,000 बहस वाली नंबर है नहीं. स्टिल हमने जो लास्ट में जो एक 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 डिस्क्लेमर डाला उसमें बड़ी क्लियर शब्द में लिखा था कि हमारे पास भी जो नंबर था वो 32,000 भी हो सकता था, 32,000 से 10 कम या 10 ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हम इंश्योर करना चाहते थे क्योंकि हम 7 साल से नंबर जोड़ते गए. जितने दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे थे अलग अलग जगह से अलग अलग, जैसे 2015 में केरल की दो कन्वर्शन सेंटर का रिपोर्ट आया कि 900 ऑफिशियली कन्वर्ट हुए. वो केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर है. अच्छा, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए वहाँ पे एक हमने एक डिस्क्लेमर डाला कि हमने RTI डाले थे टू गेट द कन्फर्मेशन. वो कन्फर्मेशन को जवाब में RTI की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहाँ से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था. और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़कियाँ पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियाँ को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसके नंबर मांगे थे. तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा, शायद वो 6 महीना हो गया अभी तक मिले नहीं. सी बात नंबर की रही नहीं है. आपने जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे हैं और जो ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या कोई भी नंबर की बात कर रहा है? लोगों को यह पता चल चुका है कि नंबर पे उलझाने की एक कोशिश थी ताकि जो मेन मुद्दा है वो साइड पे रह जाए और हमको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इस मुद्दे को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए. लेकिन आज इस देश में लोग समझ चुके हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इस इशू पे अब सबको बात करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा. तो मेरे हिसाब से नंबर वाली बहस अब ख़त्म हो चुकी है. अब आप लोगों से पूछिए कि फिल्म देख के उनको क्या लगता है.